नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जीआईएस समिट के आयोजन का आखिरी दिन है। समिट को लेकर बीजेपी गदगद नजर आ रही है, लेकिन विपक्षी पार्टी हमलावर नजर आ रही है। इस दौरान प्राइम टीवी के संवाददाता ने जीआईएस पर प्रतिक्रिया ली है, आइए आपको सुनाते हैं। सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को और उनकी सारी टीम को बधाई देता हूँ कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट एक बहुत सफल प्रयोग रहा। 32 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की इन्वेस्ट की संभावनाएं यहाँ पर देखी, लोगों ने कमिटमेंट की है और खुशी इस बात की है कि दो ऐसे सेक्टर्स को इस बार जोड़ा गया जिसको पहले कभी प्राथमिकता नहीं मिली। और दोनों सेक्टर्स के बारे में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि सॉफ्ट पावर हमारी स्पोर्ट्स और सिनेमा है और उत्तर प्रदेश ने करके दिखाया। स्पोर्ट्स के सेक्टर में कैसे निवेश आए, सिनेमा के सेक्टर में कैसे निवेश आए, कैसे रोजगार स्वरोजगार के अवसर बने, ये उत्तर प्रदेश ने करके दिखाया है। और जो इन्वेस्टर्स ने इंटरेस्ट दिखाया उसके लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को, जिस सुंदर भाव से, जिस अच्छे तरीके से उत्तर प्रदेश को सारी दुनिया के सामने आज प्रस्तुत किया गया, इन तीन दिनों में बहुत ही अच्छे तरीके से आज दुनिया भर में उत्तर प्रदेश की चर्चा हो रही है। जिस तेज गति से यहाँ काम हो रहा है, जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल किया गया है, जिस तरह से औद्योगिक प्रगति हो रही है, आप देखिए आज अगर हिंदुस्तान में पूछा जाए सबसे ज्यादा मोबाइल फोन कहाँ बनते हैं तो वो उत्तर प्रदेश में बनते हैं। चाहे टेलीकॉम हो, चाहे रेलवे हो, हर एक क्षेत्र में उत्तर प्रदेश आज एक अव्वल, बहुत आगे निकल रहा है। बहुत खुशी की बात है, इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने रेलवे के डेवलपमेंट के लिए उत्तर प्रदेश के लिए 17,507 करोड़ का ऐसा बड़ा रिकॉर्ड आवंटन किया है जो कि इतिहास में कभी नहीं था। आप देखिए 2009 से 2014 वाला जो पीरियड था उसमें यूपी जितने बड़े प्रदेश के लिए मात्र 1100 करोड़ का आवंटन होता था, कुछ भी नहीं, ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर। लेकिन अब मोदी जी ने उसको डबल करके, 3 गुना करके 4 गुना करके अब एक रिकॉर्ड स्तर पे लाए, रेलवे का संपूर्ण डेवलपमेंट हो। इस अवसर पे आपने देखा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में देश और विदेश के हजारों निवेशक यहाँ आए थे, हमारी धरती पे आए थे, हमारे लखनऊ के मेहमान बने और हमने उनकी मेहमान नवाजी की। और इस अवसर पे लाखों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हमारे प्रदेश में आया है जो हर क्षेत्र में छोटे उद्योग से लेकर के बड़े उद्योग तक हमारे इन्वेस्टमेंट के एरियाज में इन्वेस्टमेंट आया है, चाहे वो शहरी क्षेत्र हो, चाहे कृषि क्षेत्र हो, या हाईटेक एनर्जी का क्षेत्र हो, या हाईटेक टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, आईटी का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में निवेश आया है। इसके सुखद परिणाम, इसके अच्छे परिणाम, इसका लाभ हमारे राज्य की जनता को आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में, आने वाले वर्षों में मिलने वाला है। मैं राज्य की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। निश्चित तौर पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से उत्तर प्रदेश के विकास की हम नई कहानी लिखेंगे और तमाम कलेक्टिव सबके प्रयास से, हमारे मोदी जी और योगी जी के प्रयास से, निश्चित तौर पर तमाम इन्वेस्टर्स यहाँ उत्तर प्रदेश में आए, हमने उनको एक बेहतर माहौल दिया इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टमेंट के माध्यम से रोजगार सृजित होगा और खासतौर पर नौजवानों के उज्ज्वल भविष्य के रास्ते खुले। हमारे जो केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री हैं वो उपस्थित थे और उन्होंने बहुत सारी अच्छी बातें बताई। उन्होंने बहुत हमारे भारत के अंदर जो पोटेंशियल है उस पर उन्होंने बात किया। उन्होंने ये भी बताया कि उसमें हमारा उत्तर प्रदेश जो है कितना ज़्यादा योगदान दे सकता है। जिस तरह से फिल्म सिटी हमारी बनने जा रही है, सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनने जा रही है, पूरी दुनिया से लोग आएंगे वहाँ पे पोस्ट प्रोडक्शन के लिए, जो पहले विदेशों में जाते थे लोग, तो अब जो है ये सारी चीज़ें उत्तर प्रदेश में होने जा रही है। सबसे ज़्यादा युवाओं को ही फायदा मिलेगा क्योंकि युवा जो होते हैं उनके अंदर ये लालसा होती है कि हम फिल्म निर्माण करें, हम डायरेक्टर बने, हम प्रोड्यूसर बने, हम एक्टर बने, जो भी वो बनना चाहते हैं इस फील्ड में, उसके लिए एक बहुत बड़ा अवसर होने जा रहा है आपके उत्तर प्रदेश में। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जैसे ही ये फिल्म सिटी बनेगी, जो हाईटेक फिल्म सिटी बनने जा रही है,
वहाँ सिर्फ भारत के अलग अलग राज्यों से ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों से भी लोग काम करने के लिए आएंगे और वहाँ पे रोजगार का अवसर जो है सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के युवाओं को मिलेगा। और जो लक्ष्य था इस समय का उससे ज़्यादा लक्ष्य प्राप्त किया है। समय में यहाँ निवेश होगा उससे निश्चित रूप से एक बड़ा रोजगार का अवसर सृजित होगा। ऐसी आशा की जाती है कि लक्ष्मी नौकरियाँ सृजित होंगी, युवाओं को नौकरी मिलेगी और उत्तर प्रदेश एक उत्तम प्रदेश बनने की राह पर चलेगा। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा निवेश का शुरुआत करी गई है। अभी तक जो हमारा बजट 22-23 का जो बजट था वो करीब 6.25 करोड़ के आसपास का था, 6 लाख करोड़ के आसपास का था और इसमें हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी का सबसे बड़ा योगदान है। जो इस समय पर अभी तक जो पहला दिन हमारा हुआ है उसमें 33 लाख करोड़ रुपया निवेश करने के लिए यहाँ पर दावा और वादा किया गया है। आने वाला समय है वो देखना ही होगा हम लोगों को, क्योंकि यहाँ पर जो बेरोजगार युवा हैं और जो हमारे युवा पीढ़ी जो इस समय पर पढ़ रही है जिसको नौकरी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और यहाँ रोज़गार की लोगों को ज़रूरत है। अब ये समय बताएगा कि हम लोगों को कितना यहाँ पर निवेश का फ़ायदा मिल रहा है और हम तो चाहेंगे, ये बहुत अच्छी बात है, प्रदेश के लिए बहुत अच्छा माहौल तैयार किया गया और इसी तरीके से अगर माहौल रहेगा और निवेश होते रहेंगे तो हमारा जो उत्तर प्रदेश है वो ज़्यादा ग्रोथ करेगा। हम स्किल डेवलपमेंट के अंदर रजिस्टर्ड थे, सो 30वें दिन मैं यहाँ पर आई हूँ स्किल इंडिया के लिए, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे लगा कि शायद 3 दिन ही मुझे अटेंड करना चाहिए था। इतना अमेजिंग इवेंट हुआ है यूपी ग्लोबल इन्वेस्ट के, आज बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके और मैं यहाँ के यूपी की गवर्नमेंट को धन्यवाद देना चाहती हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने इतनी इंडिया के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई हैं अपने यूथ को, यहाँ पे इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज आज हमें मिली हैं। उसके लिए थैंक यू सो मच। मैं राजू सोनी संपूर्ण व्यापारी समाज की तरफ से ग्लोबल सबमिट में आए हुए सभी अतिथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ और प्रदेश सरकार से अनुरोध करता हूँ जिस प्रकार से बहुराष्ट्रीय कंपनियों को यहाँ पर प्रदेश के जनपद में राजधानी लखनऊ में उनके व्यापार को बढ़ावा देने के लिए और तमाम संसाधनों को बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार का समिट का आयोजन किया जा रहा है, उसी प्रकार से जो देश के 8 करोड़ छोटे और मझले व्यापारी हैं उनको भी जो है सहूलियत दी जाए। कोरोना काल में उनको कोई भी आर्थिक पैकेज नहीं दिया गया और जो भी धरातल पे व्यापारी है, जो भी बहुत है कमज़ोर व्यापारी टूट गया है, उसको भी इस तरीके की सुविधाएं दी जाएं जिससे वो अपना व्यापार चालू कर सके। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।